नरगिस कॉलेज नहीं आ रही है? अरे आप ऐसे चौंक क्यों रहे हैं? नरगिस कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही और आपको ये बात पता भी नहीं है? मैंने आदित्य को बिजनेस के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं। अच्छा एक बात बता, अगर समीर तेरा अच्छा दोस्त है तो ये बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? क्या मुझे तो अपने पापा की तरह समझती है? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो और मेरी आदर्श भी। तो मुझे बताया क्यों नहीं? मामा ऐसी कोई बात ही नहीं है जो मैं आपको बताऊं। कब से जानती हो उसे? इसी साल उसने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है। शायद इसी साल उसके पेरेंट्स श्रीनगर से बॉम्बे शिफ्ट हुए हैं। लड़का कैसा है? अच्छा है। उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? मैं मिली तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ उसने मुझे बताया था कि उसके पापा आर्मी में थे। रिटायर है? शायद। ओह अच्छा, ये लड़का सिर्फ तेरा अच्छा दोस्त है या? मामा अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा तो मैं सबसे पहले उसके बारे में आप ही को बताऊंगी। पक्का? पक्का। आई लव यू मामा। आप यहाँ पर आराम से बैठे हैं और वहां मेरे बेटे के दिमाग में तूफान मचा रखा है। अरे जिंदगी तबाह कर दी आपने मेरे बेटे की, उसे बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर। अरे बकवास बंद कर, बंद कर अपनी बकवास। कब से सुन रहा हूं मैं ये, क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया? हर बाप अपने बेटे को बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है, मैंने भी दिखाया, तो क्या गलत किया मैंने? मैं अपने बेटे को अपने से आगे देखना चाहता हूँ। लेकिन अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने लायक नहीं बनाया उसे, बल्कि बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर उसे अपनी बैसाखी पर टिकाए रखा, जिसके सहारे चलकर वो मासूम एक आम आदमी बनने लायक भी नहीं रह सका और ख्वाबों में जीकर उसी का दीवाना होकर रह गया। आपको बहुत बड़ी तोप समझता रहा वो कि उसके अब्बू उसके लिए चंदा मामा लाकर उसकी गोद में डाल देंगे, लेकिन जब हकीकत समझने लायक हुआ तो उसने अपने अब्बू में एक कमजोर लाचार और शिकस्त खाया हुआ इंसान पाया। लेकिन तब तक उसकी दुनिया सिर्फ चंदा मामा तक आकर रुक चुकी थी। हाँ आप में एक हारा हुआ इंसान देखकर उसने कल नरगिस का हाथ मांग लिया। क्या? हाँ कहाँ नरगिस और कहाँ हमारा बेटा? कल नरगिस ने थप्पड़ मार दिया आदिल को, कल आपसे छुपा कर रखा कि उसके सिर में दर्द है, लेकिन आज नहीं छुपा सकती। इस थप्पड़ ने मेरे बेटे के दिलो दिमाग पर जो असर किया है उसे नहीं छुपा सकती मैं। ये तूने अच्छा नहीं किया नरगिस, ये तूने अच्छा नहीं किया। तू ये भूल गई कि आदिल अंसारी लियाकत अंसारी का बेटा है। अब देखना, ना तो मैं तुझे जीने दूंगा और ना ही तुझे मरने दूंगा। बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुझे इस थप्पड़ की, बहुत बड़ी। तूने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, अब देख मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं। अपनी गलत हरकतों की वजह से इस अंजाम तक पहुंच गए, फिर भी सबक नहीं लिया आपने। अरे और कहां ले जाएंगे मेरे बेटे को आप? इससे तो अच्छा है हम माँ बेटे को जहर ला कर दे दीजिए। दूंगा जहर, जरूर दूंगा जहर, मगर नरगिस और उसके सरपरस्तों के पैरों तले जमीन खिसकाने के बाद नरगिस खुद पिएगी ये जहर, अपनी सिसकियों और कराहों का जहर।
मेरी दुश्मनी का जहर वो जरूर पिएगी। आदित्य, ये फाइल तुम मेरे पास छोड़ जाओ, मैं जरा इसे तफसील से पढ़ लूंगा। ठीक है, तुम इत्मीनान से 2-4-10 दिन सोच लो, फिर मुझे बता देना। दरअसल क्या है कि इस बिजनेस में आने वाले वक्त को देखते हुए बहुत स्कोप है और यही हमारे सक्सेस का प्लस पॉइंट है। ओके, अच्छा अब मैं चलता हूं। हाँ, शुक्रिया आदित्य। जरा लियाकत मियां को भेजिए अंदर। जी, अभी तक ऑफिस नहीं आए। बेहतर। हेलो, व्हाट? नरगिस का एक्सीडेंट? हम अभी आ रहे हैं। बेटा क्या हुआ? बेटा तुम ठीक तो हो ना? बेटा क्या हुआ? ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, अब ये बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी बेटा। अगर आपको कुछ हो जाता अब वो जान, हम बिल्कुल ठीक हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप हमें ये बताए बेटा कि हादसा हुआ कैसे? कुछ नहीं अबू जान, हम रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक मोटर बाइक पीछे से आकर हमें चोट पहुंचाने ही वाली थी। वो तो सर्वर ने हाथ खींचकर हमें हटा दिया। आज सर्वर नहीं होते तो आपकी बेटी। ऐसा नहीं बोलते बेटा। अब्बू जान, आपने हमारी बात पूरी नहीं होने दी। हम ये कह रहे थे कि हमसे ज्यादा सर्वर को चोट आई है, आपने उन्हें देखा? कहां है सर्वर? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर क्यों नहीं आए? जी दरअसल आप लोग बातों में मसरूफ थे, इसीलिए मैंने अंदर आना बेहतर नहीं समझा। परखुरदार, इस वक्त तो आपसे ज्यादा अहम हमारे लिए और कुछ है ही नहीं है। आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। अब ये तो आपने दो माने बात कह दी। अहम करके मुझे अपने करीब कर लिया,
और दूसरे ही पल मेरा शुक्रिया अदा करके आपने मुझे गैर साबित कर दिया। गैर नहीं मियाँ, दरअसल हम ये शुक्रगुजारी आपके लिए नहीं कर रहे थे, ये शुक्रगुजारी हम कर रहे थे उस जज्बे के लिए जो आज भी आप जैसे नेक और बहादुर इंसान के अंदर मौजूद है। चलिए, आपके लफ्जों की इस खूबसूरत अदायगी को मैं मान लेता हूँ। मियाँ, हमें आप तो बहुत अच्छे लगे ही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका जो ये बातें करने का सलीका है ना, ये भी हमें बहुत पसंद आया। शुक्रिया भैया, आपने हमारी बेटी की जान बचाई है। दूसरे लफ्जों में, आपने हमारी जान की जान बचाई है। हम ये कभी नहीं भूल सकते कि नरगिस को ये जो दूसरी जिंदगी मिली है वो सिर्फ आपकी बदौलत है। तो इस लिहाज से आप हमारे लिए गैर तो रहे ही नहीं, हमारे अपने होंगे। किसी गैर को इतना जल्दी अपना बना लेना बहुत मुश्किल है सर। मुश्किल तो अल्लाह आसान करता है। देखिए ना, हमारे दरमियान ये अपने कहने की मुश्किलों को भी उसने आसान कर दिया। जी चलिए, नरगिस से मिल लेते। नहीं, लेटे 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 रहो, लेटे रहो बेटा, लेटे रहो। अब सरवर मियाँ से तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए गैर नहीं है बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है अब्बू जान, इन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई, हमारी हिफाजत की। अब आजकल के जमाने में कोई गैर थोड़ी ना करता है ऐसा। इनके ये बहादुरी देखकर ही तो चंद ही लम्हों में इन्होंने हमारे दिल में जगह बना ली। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि अच्छे लोगों को सारी दुनिया अच्छी लगती है। आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं अच्छे लोगों के दरमियान खड़ा हूँ। गलत, सरासर गलत। अगर आपको कहना है तो ये कहिए कि आप अपने लोगों के बीच में खड़े हैं। मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी दौलत है, कैसे भी करके जितनी भी दौलत लगे बस उसे सेहतमंद कर दीजिए। मिस्टर लियाकत, आपके बेटे के दिमाग में कोई बात इस कदर बैठ गई है कि उनके दिमाग की नसों का ब्लड सर्कुलेशन ही रुक गया है, और चोट लगने की वजह से ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है कि जिसने उसे इतना डिस्टर्ब कर दिया है और इस हालात में पहुंच गया है? वो क्या है डॉक्टर, मेरा लड़का एक लड़की से दीवाना वार मोहब्बत कर बैठा है। ओह, इस उम्र में अक्सर प्यार न मिलने से ऐसा हो जाता है। मिस्टर लियाकत, अगर वो लड़की इनके प्यार को कबूल कर ले तो हो सकता है कि इनकी दिमागी हालत सुधर जाए। कोशिश कीजिए, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। जी डॉक्टर। इसका मतलब ये कि नरगिस चाहे तो आदिल को नवाब के कंडीशन में ला सकती है। अब क्या सोच रहे हैं आप, कैसे ठीक करेंगे मेरे बेटे की दिमागी हालत को? उसकी दिमागी हालत दुरुस्त करने की एक ही दवा है, और वो है नरगिस। जो मुमकिन नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं आप? तो क्या सोचूं, पागल हो जाना जो अपने बेटे को। पता है डॉक्टर ने क्या कहा? उसने कहा कि अगर उसे उसका प्यार मिल जाए तो वो नॉर्मल हो सकता है, और मेरे बेटे का प्यार है नरगिस। मगर आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि नरगिस का प्यार आदिल नहीं है? तो एक बार फिर जिल्लत सह लूंगा अपने बेटे के लिए, एक बार फिर उस बेरहम पत्थर पर सर पटक पटक कर दरख्वास्त करूंगा, रहम की भीख मांग लूंगा उन लोगों से नुसरत। अगर बेरहम की भीख भी नहीं मिली तो बेरहमी का वो सपोला बनूंगा कि जिसका फन भी पत्थर का होगा। कैसे समझाऊं मैं आपको, रहम की भीख मांगने जा रहे हैं वो भी बेरहमी का ख्याल साथ लेकर। क्यों देगा अल्लाह आपको रहम की भीख जबकि सारे फैसले आप खुद कर लेते हैं? अरे क्यों देगा अल्लाह आपका साथ? बंद करो अपनी बकवास। अल्लाह रहम कर।
क्या जरूरत है हातिम ताई बनने की? सिर्फ सर ही तो फूटा है ना, अगर इससे ज्यादा कुछ हो जाता तो? बाजी, मेरी प्यारी सी बाजी, जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ है ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो सकती, याद रखिएगा। तकलीफ कैसे नहीं हुई? इस चोट में दर्द नहीं है क्या? इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अपने आप को 30 मार खा समझ कर हॉस्पिटल चले गए, हमें एक फोन तक नहीं किया। बहुत बड़े हो गए हैं आप। बाजी, अगर मैं वाकई बड़ा हो गया होता तो क्या आप ऐसे डांटती मुझे? सच में मारूंगी मैं आप, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। बाजी, बाजी बाखुदा मैंने इसलिए आपको फोन नहीं किया क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए बड़ों को परेशान करना बेवकूफी है। अच्छा, और अनजान लोगों के लिए जान जोखिम में डालना अकलमंदी है ना? बाजी, अब्बू मियां कहते थे नेकी करने वालों के साथ फरिश्ते मददगार बन के रहते हैं, और किसी की जान बचाना इंसानियत है, और इंसानियत से बड़ा नेक काम और क्या हो सकता है? हम ये सब कुछ नहीं जानना चाहते, हम बस इतना चाहते हैं कि आज के बाद आप हमसे पूछे बगैर अपनी इंसानियत को नहीं जगाएंगे। जैसा आपका हो। इस बात का, आप इंसानियत का फर्ज अदा करते हैं ना, तो हमें बहुत फक्र होता है, लेकिन क्या करें, लोगों के कई सारे रिश्ते होते हैं, कई सारे अपने होते हैं, लेकिन आपके बहन के पास सिर्फ एक भाई है, इसीलिए डर जाती हूँ। जानता हूँ बाजी, जानता हूँ आप कितना प्यार करते हैं मुझसे, अच्छी तरह जानता हूँ। स्विच ऑफ जा रहा है, वो तो कभी भी अपना फोन ऑफ करके नहीं रखती है, क्या करूं मैं? हाँ, शमा आंटी को फोन लगाती हूँ। हेलो। हेलो आंटी। काजल बेटी, कैसी हैं आप? आंटी मैं तो ठीक हूँ। आंटी मैं कब से नरगिस को कॉल कर रही हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, कहाँ है वो? वो नरगिस का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए वो। क्या, नरगिस का एक्सीडेंट हो गया? कब, कहाँ, कैसे? आंटी कैसी है वो? अरे अरे अरे, सब एक ही सांस में पूछ लोगी? प्लीज आंटी, वो हम जानते हैं बेटा, आप नरगिस की अच्छी दोस्त हैं, इसलिए एक्सीडेंट का सुनकर घबरा गए। अल्लाह का करम है, उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, फिलहाल वो आराम कर रही है, उठेगी तो हम आपकी उससे बात करवा देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। ओके आंटी, थैंक यू, बाय बाय। सर ये फाइल कंप्लीट हो गई। लियाकत मियां, आदिल की तबीयत अब कैसी है? सर ठीक नहीं है, उसके दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा है। किस बात का गम है उसे? सर जब उसने नरगिस से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो बदले में नरगिस ने उसको थप्पड़ मार दिया, बस वही थप्पड़ उसे दुरुस्त किया उसने। आप शुक्र मनाएं कि उसकी जगह मैं नहीं था, क्योंकि अगर मैं वहां होता तो मैं उसे गोली मार देता। हुजूर मैं हाथ जोड़ता हूं, उसने मोहब्बत करने की गलती की है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन सर उसकी मोहब्बत उसे दे दीजिए, पुरखों से चली आ रही वफादारी के बदले इस फकीर बाप की फरियाद सुन लीजिए। क्या कहते हैं, अपनी औकात में रहकर बात करने की जरूरत कीजिए, जमीन पर खड़े होकर आसमान को छूने की कोशिश मत कीजिए लियाकत मियां। नहीं करूंगा सर, कभी नहीं करूंगा, लेकिन लेकिन सर मेरे बेटे को पागल होने से बचा लीजिए, उसे उसे नरगिस दे दीजिए। बंद कीजिए यह बकवास, एक ही रटा हमेशा, नरगिस नरगिस नरगिस। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है जो पागलों के दिल बहलाने के काम आए।
एक बार हमने आपको माफ कर दिया था लियाकत मियां, लेकिन इस बार नहीं करेंगे। निकल जाइए यहां से। Get out from here! छोड़ कर अपना चमन, राशन की आवजन।